हेलो गाइस, दिस इज मुकेश एंड यू आर वाचिंग यूएसए स्पोकन क्लासेस। हियर वी लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेसन। वेल, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंडीड के बारे में। इंडीड वर्ड का यूज स्पोकन इंग्लिश में किस तरीके से कर सकते हैं और इसके कितने यूज हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला यूज इंडीड का, एक्चुअली इसका यूज किया जाता है किसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए, टू एम्फसाइज समथिंग या समवन, किसी चीज़ को भी और किसी के लिए भी एम्फसाइज किया जाता है। यदि इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो रियली, सर्टेनली, इन सभी वर्ड के जगह पर आप इंडीड वर्ड का यूज कर सकते हैं। पहले यूज को देख लेते हैं। टू एम्फसाइज वेरी विथ एडवर्ब और एडजेक्टिव, कहने का मतलब है जब सेंटेंस में वेरी वेरी वर्ड आए मीन्स बहुत, तो वहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब को एम्फसाइज करने के लिए, उसमें जोर देने के लिए, उस वर्ड के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग इंडीड वर्ड का यूज करते हैं। किस तरीके से, एग्जांपल से आपको इसको बेटर में समझ में आएगा। पहला एग्जांपल है, द मील वॉच वेरी एक्सपेंसिव इंडीड। द मील वॉच वेरी एक्सपेंसिव, एक सेंटेंस है, मैंने बोला कि जो है खाना जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा था, खाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, बहुत महंगा था, एक्सपेंसिव था। और जब इस सेंटेंस में हमने इंडीड लगाया तो इसका कहने का मतलब है सच में, वाकई खाना बहुत ज़्यादा महंगा था। तो इसका हिंदी ये निकाल सकते हैं, सचमुच में खाना बहुत ज़्यादा महंगा था या बिल्कुल खाना बहुत महंगा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे वर स्पीकिंग वेरी लाउडली इंडीड। दे वर स्पीकिंग वेरी लाउडली, यहाँ पर लाउडली एक एडवर्ब है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है वे लोग काफ़ी ऊंचे आवाज़ में बोल रहे थे, मतलब जोर जोर से बोल रहे थे। जब इसमें इंडीड लगा देंगे, दे वर स्पीकिंग वेरी लाउडली इंडीड, इसका कहने का मतलब है वे लोग सच में, वाकई में, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा जोर जोर से बोल रहे थे, इसका मतलब ये हुआ। जिस तरीके से आप लोग मेरे हर वीडियो को वाकई में देखते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, यू वॉच माई एवरी वीडियो इंडीड। यू वॉच माई एवरी वीडियो इंडीड, कोई भी आप सेंटेंस बोलिए उसमें एडवर्ब या एडजेक्टिव कुछ भी हो, तो वहाँ पर वेरी को या उस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग इंडीड वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सचमुच में एक अच्छे स्टूडेंट है, आप वाकई एक अच्छे स्टूडेंट है, ये इंडीड वर्ड का दूसरा यूज है, ये वाला एग्जांपल। पहले में हम लोगों ने देखा कि वेरी के साथ कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में एम्फेसाइज करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट व्हाट यू हैव सेड। जैसे कि यूर अ गुड स्टूडेंट इंडीड, यूर अ गुड स्टूडेंट इंडीड, कहने का मतलब है आप वाकई में एक अच्छे छात्र हैं, आप वाकई में या सचमुच आप एक अच्छे छात्र हैं। एक आपने कहावत सुना होगा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, कहने का मतलब है सच्चा दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। वाकई सचमुच में यहाँ जोर दे रहे हैं सेंटेंस में कि सच्चा वही दोस्त होगा जो मुसीबत के वक्त में काम आए। अब इसके तीसरे यूज की बात करते हैं कि आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, कहने का मतलब है इज एम आर, वॉज वर या शैल बी, विल बी, हैज एप, इसके बाद जो आप इंडीड का यूज करते हैं उसका मीनिंग क्या निकलता है। जैसे कि मैंने कहा आज बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे, तो आपने कहा, जवाब दिया इट इज इंडीड, इट इज इंडीड, तो आपने जवाब दिया इट इज इंडीड, कहने का मतलब है आपने जो भी कहा मैं उससे सहमत हूँ, सच में आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आपके बातों को एम्फेसाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर बोला इट इज इंडीड। एक सेंटेंस और देखिए, डिड यू विन द मैच, डिड यू विन द मैच, मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्या तुमने मैच जीता, क्या तुम लोग मैच खेलने गए थे तो मैच जीता, जीत लिया मैच, तो आपने कहा इंडीड वी डिड, इंडीड वी डिड या वी डिड इंडीड, इंडीड को स्टार्टिंग में कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ हाँ हमने मैच सच में जीत लिया। कहने का मतलब है, सरल भाषा में समझिए, आपको किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा या आपने किसी और से क्वेश्चन पूछा, तो आपको कन्फर्मेशन देने के लिए, आपको सहमति देने के लिए आपको इंडीड वर्ड का यूज कर सकते हैं। समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए, मानना पड़ेगा आप बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई हैव टू से यू टीच इंग्लिश वेरी वेल,
आई हैव टू से यू टीच इंग्लिश वेरी वेल, तो आपने कहा हाँ आप सच में वाकई में अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आपको सहमति देना है। तो आप कहिएगा यस यू डू इंडीड, यस यू डू इंडीड कहने का मतलब है हाँ, मानना पड़ेगा आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ाते हैं। अगर बोलेंगे क्या आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, मैंने क्वेश्चन किया, इसको इंग्लिश में पूछेंगे डू यू लाइक माई वीडियो या डू यू लाइक माई वीडियो। तो इस संदेश के लिए आप कन्फर्मेशन के लिए, स्वीकृति के लिए क्या बोलिएगा, यस वी डू इंडीड, यस वी डू इंडीड, हाँ हम लोग आपकी वीडियो को लाइक करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज मुकेश एंड यू आर वॉचिंग यूएससी स्पोकन क्लासेस, हेयर वी लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, लिमिट एल यू। इसमें कोई कहने वाली बात है कि कपिल शर्मा सबसे अच्छा कॉमेडियन है, इसमें कहने वाली क्या बात है कि आजकल महंगाई बढ़ रही है, या इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। बिफोर दैट हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर जो फ्रेज यूज हुआ है इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि, तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट गोज विदाउट सेइंग दैट, इट गोज विदाउट सेइंग दैट। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऐड करेंगे इट गोज विदाउट सेइंग दैट, उसके बाद आपका कंप्लीट सेंटेंस ऐड कर देना है। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, इसको और भी बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। तो आज का पहला एग्जांपल है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि कपिल शर्मा सबसे अच्छे कॉमेडियन है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट गोज विदाउट सेइंग दैट कपिल शर्मा इज द बेस्ट कॉमेडियन, इट गोज विदाउट सेइंग दैट कपिल शर्मा इज द बेस्ट कॉमेडियन। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि आजकल महंगाई बढ़ गई है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट गोज विदाउट सेइंग दैट इन्फ्लेशन हैज रिजन अप नाउडेज, इट गोज विदाउट सेइंग दैट इन्फ्लेशन हैज रिजन अप नाउडेज, या दीज डेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू आर अडोरेबल, इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू आर अडोरेबल, या वेरी ब्यूटीफुल, स्टनिंग, गॉर्जियस, इस तरीके के वर्ड यूज कर सकते हैं बहुत खूबसूरत के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए हर रोज दो वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट गोज विदाउट सेइंग दैट आई अपलोड टू वीडियोज एवरी डे फॉर यू, इट गोज विदाउट सेइंग दैट आई अपलोड टू वीडियोज एवरी डे फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि इंडिया एक महान देश है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट गोज विदाउट सेइंग दैट इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इट गोज विदाउट सेइंग दैट इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू लाइक माई वीडियो।